अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल है आपके बच्चों? ठीक हो? आर यू ओके? तो जरा आप लोग, क्या कैन यू हेयर मी? क्या आप लोग मेरी आवाज को सुन सकते हैं? जजाकल्ला जजाकल्ला जजाकल्ला, अल्लाह आपको खुश रखे, अमीन। आपको भी अब्दुल राफे, आपको भी, हर एक को खुश रखे। अच्छा बेटा, जो आपके पास जो चैप्टर मैंने अभी आपसे स्क्रीन शेयर की है, आपके पास मौजूद है, वो आपके पास क्लियर होगी? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। मेरे पास इस वक्त 21 बच्चे मौजूद हैं। अच्छा, तो हम वैसे तो मगरिब की अजान जब होगी तो हम रोकेंगे, लेकिन जब तक हम इसको पैराग्राफ जो आपसे शुरू करना था, तो आज हम जो नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है द डे द डैम ब्रोक, है ना? कल वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं आपको, कल वाले चैप्टर के? अच्छा अभी बता देते हैं, इसमें क्या मसला है? इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अवेलेबल है हमारे पास नोट्स की शक्ल में, आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है? आप चाहें तो वो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे इसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दें, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है? अभी बता देता हूँ आपको। देखें, इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सबसे पहला, देखिए हर लाइन एक सवाल है, मैं आपको पढ़ता हूँ, ठीक है? आपके सामने मेरे पास में नोट्स की बुक भी मौजूद है, और वो नोट्स के अलावा भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। पिछले वाले आपने सवाल पूछा, ठीक है, मैं आपसे वो सवाल शेयर करता हूँ, ठीक है? अगर आप अपनी बुक उठा के देख लें तो आपके पास सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक के भी मौजूद हैं, वो 10 क्वेश्चन है ना, ठीक है? 10 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ध्यान में रखना। पहला बड़ा अहम सवाल जो हर साल आता है अक्सर बदल बदल के, व्हाई इज द इंसुलर ऑफ द यूरोपियन, ठीक है, हिस्टोरियन टू टर्म द सेंचुरीज आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर द डार्क एजेस। मैं बताऊं सवाल कितना अहम है ये, रोमन एम्पायर शहनशाहियत के अख्तिताम पर जब मशरिक तरक्की पर था, तो मगरिब के लोग उसे तारीख तरीन दौर क्यों कहते हैं? भाई जारे मशरिक की तरक्की थी, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी, याद है ना, ठीक है ना? आपके पास पूरे सवाल मौजूद हैं, ठीक है, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी, तो लिहाजा वो उसको तारीख तौर, जबकि इसने क्या कहा था बर्टन रसल ने कि तारीख में उस वक्त एशिया नहीं था बल्कि मगरिब था, घटिया तरीन तहजीब में, याद है ना, बड़े सख्त जुमले अल्फाज इस्तेमाल किए थे उसने, ठीक है? तो आपने ये ख्याल रखना है, ठीक है, आप समझ में आ रही है आपको? अच्छा, मैं इसके सबसे सवाल क्लियर कर दूं, फिर मैं आपको नमाज के लिए भेजता हूँ, ठीक है? अगर आप पहला सवाल को समझ जाए, दूसरा सवाल ही बहुत आसान है, ठीक है? व्हाट ग्राउंड डज द ऑथर आर्ग्यू द कम्युनिज्म इज द मोस्ट मॉडर्न एंड वायलेंट फॉर्म ऑफ द वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। यानी बर्टन रसल ये क्यों कहता है कि कम्युनिज्म एक बदतरीन घटिया मगरिब की शहनशाहियत की शक्ल है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर, याद करो अभी याद कराता हूं, इसके अंदर शहनशाहियत थी, इसके अंदर कौन सी, मिलिट्रिज्म था, यानी याद है ना, इसके अंदर फौजी साजो सामान और ताकत के जरिए हुकूमत को कहते थे कम्युनिज्म। यानी कम्युनिज्म घटिया क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मगरबी ताकत मशरकी ताकत को दबाने की कोशिश में लगी रहती थी, और वो असलहे की दौर पर फौजियों की ताकत की बिना पर ये काम करती थी, जो कि ज्यादती है, इसलिए ये घटिया तरीन तर्ज हुकूमत है। अच्छा यार, आवाज कट रही है, मुझे हैरत है, अभी तो मैंने 3 क्लासे ली है, मेरी आवाज नहीं कटी, लेकिन मुमकिन है नेटवर्क इशू आ रहा हो, बहरहाल ये तो मुझे नहीं मालूम, तो बहरहाल तुम लोग इसको समझ जाओ, ठीक है? ठीक है, अब तो नहीं कट रही ना, शाबाश। बस मैं अभी एक सवाल क्लियर कर दूं एक दो, ताकि आपको आसानी हो जाए और आपको दिल ना टूटे कि सर यासीन हमें बताया है नहीं, है ना, ठीक है, आपका दिल ना टूटे, लड़कों का दिल बड़ी जल्दी टूट जाता है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं, अब आप ये देखिए, एक तो सवाल ये मैंने पढ़ दिया, दूसरा सवाल है बड़ा एक अहम और पढ़ देता हूं, व्हाई डज द ऑथर कंसीडर इट यूजलेस टू रेजिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना? यानी
राइटर क्यों कह रहा है कि इंडस्ट्रियलिज्म के खिलाफ बहस नहीं करनी चाहिए, ये तो बहुत फायदेमंद है। जाहिर है सारी तरक्की होती ही है ना, सारी सारी तरक्की होती ही इंडस्ट्री से। अरे भाई तो इंडस्ट्री के खिलाफ क्यों कहे, क्या ख्याल है ना भाई रजा भाई, समझ में आ रही है रजा जो मैं कह रहा हूँ, ये समझ में आ रही है या खाली वो जुमला समझ में आ गया? तो मेरे बच्चे इसको जहन में नोट कर लो कि ये सवालात जितने मैं पढ़ रहा हूँ ये पेपर में आएंगे आएंगे आएंगे, फिर मुझे बद्दुआएं मत देना। तुम लोग आज बता रहा हूँ, तुमने कहा सवाल बताओ, मैं अभी और बता देता हूँ क्या वजूहात थी। मैं चंद सवाल ले रहा हूँ ठीक है ना, मसलन एक सवाल और लेता हूँ आपके लिए आसानी के लिए ठीक है। वॉट इन द ऑथर व्यू हैज बीन द मोस्ट सीरियस फ्लॉ इन द करेक्टर ऑफ द वेस्ट ओवर द लास्ट फ्यू सेंचुरी, बताओ ये बताओ कि पिछली सदियों में मगरिब का क्या किरदार रहा, कितना घटिया किरदार रहा, बोलो घटिया किरदार रहा ना, क्योंकि मगरिब की सोच क्या थी, मशरिक पे कब्जा है ना, मशरिक में रहते हुए मगरिब में रहते हुए है ना ठीक है, उसने क्या किया। हाँ देखो बेटा जरा जहन में रखना, सवाल ये है, ये हसन कुछ कह रहे हो कि सर आप सवाल मिलकर दिया गया, जी सर समझ में आ रही है आपको, सवाल मिल गए ना सारे, सवाल मिल गए ना, हाँ तो बस आप जो है वो सवाल को मैं आंसर भी बता रहा हूँ मैं, तो वो तो इसके नोट्स में मौजूद भी है, हमारे नोट्स में मौजूद भी है, लेकिन आप परेशान थे तो मैंने सोचा मैं आपको अभी बता देता हूँ 1 मिनट में। तो बेटा देखो जहन में रखना कि हमेशा वो लोग पिछली सदियों में इनका किरदार बहुत घटिया रहा, इनका किरदार क्या रहा, लूटो मारो और फायदा उठाओ, लूट मार करो और फायदा उठाओ ठीक है। तो फायदा क्या उठाओ, यही फायदा उठाओ कि जनाब यहाँ एशिया पर पूरी तरक्की को रोक दो और यूरोप तरक्की करे और एशिया पे कब्जा रहे हमारा, जिसको वो बरकरार नहीं रख पाए बीच में, लेकिन अब फिर आप जानते हैं ना यूरोप का डोमिनेशन है अमेरिका की मदद से, अमेरिका की मदद से। तो ये जहन में रखिएगा कि ये आज तक ये सिलसिला चल रहा है ठीक है, समझ में आ रही है आपको। अब आप मुझे बताएं कि अपने ईमान से बताएं कि ये क्वेश्चन के आंसर ढूंढना कितना आसान है, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, और मेरा आपको मशवरा है मेरे बेटा मेरे बच्चों कि जैसे ही चैप्टर खत्म होता है फौरन याद कर लिया करो, क्योंकि जब तुम उसे जमा करोगे ना तो वो तुम नहीं कर सकते ठीक है। तो जज़ाकअल्लाह ठीक है अमीन, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब हम ये करते हैं कि अजाने हो गई हैं, मुझे सिर्फ 10 मिनट तो लगेंगे ना, आपको भी नमाज पढ़ने में 7 रकाते तो पढ़ोगे ना जाहिर है ठीक है, तो 7 नहीं पढ़ोगे तो बहरहाल 5 तो पढ़ोगे ठीक है ठीक है। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, सिर्फ 10 मिनट का गैप दूंगा या 9 मिनट का 8 मिनट का ठीक है, मैं आ रहा हूँ ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, फिर मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा द डे द डैम ब्रोक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातुहू। कैसे हो बच्चों, ठीक हो? नमाज पढ़ी? जज़ाकअल्लाह। बद अब चूंकि वक्त नमाज के लिए आपने दिया, ठीक है। अच्छा, क्लास को? अच्छा, यस, पढ़ ली। जबरदस्त जबरदस्त, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपकी क्लास शुरू कर रहा हूँ, लेकिन 1 मिनट के लिए जरा चाहूंगा कि स्क्रीन को बड़ा कर दूं, तो जरा मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। अभी अभी आपको स्क्रीन बड़ी करके दिखाना है। शुक्रिया आप। अच्छा जनाब, इससे अब मैं आपसे तो एक पेन ले लेता हूँ, हाईलाइटर ले लेता हूँ, ताकि आपसे मैं बातें करता रहूँ, आपको पढ़ाता भी रहूँ, ठीक है। ये देखिए, ये चैप्टर है जिसका नाम हम पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट 3 है, और इसका नाम है द डे द डैम ब्रोक। द डे द डैम ब्रोक, वॉइस प्रॉब्लम है? अब तो मैं इतना तेज बोल रहा हूँ मेरे भाई, माइक मेरे मुंह में लगा हुआ बिल्कुल, अब तो लग रहा है कि मुझे माइक ही ना खा जाऊं कहीं मैं, ठीक है। अच्छा, फैन की वजह से, मैं फैन बंद कर देता हूँ बेटे, मैं गर्मी में पढ़ा लेता हूँ, पंखा भी बंद कर देता हूँ, सही है? मौला आबाद रखे, कोई ऐसी बात नहीं, ये सर रहने दे, कोई ऐसी बात नहीं, ये नजला हो जाता है, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, जजाकल्ला जजाकल्ला। अब तो मैंने माइक बिल्कुल मुंह में कर लिया है, अगर आप कहें तो माइक खा के दिखाऊं आपको मैं, ठीक है। अच्छा भाई, नौजवानों जरा जल्दी से मेरे साथ साथ, हाँ, नमाज पढ़िए, उसकी बरकत का फायदा उठाते हैं। अब आवाज नहीं कटेगी इंशाल्लाह, ठीक है, फिक्र ना करें, ठीक है। जा, आप देखिए, हमारे पास टेक्स्ट 3 है मेरे मेरे बच्चों, और इसका नाम है द डे द डैम ब्रोक, यानी जिस दिन डैम टूटा। अच्छा, इसको लिखा था जेमस थर्बर्न ने, जेमस थर्बर्न ने, ठीक है। नहीं बेटा, अच्छा अब आप देखें, यानी अशर, इसको लिखा किसने? जेमस थर्बर्न ने, और जेमस थर्बर्न जो है वो आपको पता है ना, अपने जमाने का बेहतरीन किस्म का राइटर है, अमेरिकन राइटर, अमेरिकन है ना, ठीक है, ठीक है। अब तो सही हो गया, चले, जजाकल्ला जजाकल्ला, अमीन जजाकल्ला, आपको तो नाम भी अमीन है आपका, माशाल्लाह। अब देखें, अब क्या लिखा है, मैं ये एक मिजा, एक ना इसको मैं जल्दी से पढ़ता हूँ, ताकि हमारी नमाज का भी कवर जो है वो टाइम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये अब देखें, लिखा है जेम्स थर्बर हु डाइड इन 1961 इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट, ठीक है, अमेरिकन ह्यूमरिस्ट ऑफ द मॉडर्न टाइम। हाँ, यानी जेम्स थर्बर जो था, वो जिसका इंतकाल हुआ, डाइड इन 1961, ये एमसीक्यूज में आएगा मेरे बच्चों, ठीक है, 1961 में इसका इंतकाल हो गया था, ठीक है, और ये अपने दौर का, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट अमेरिकन, सबसे ज्यादा ह्यूमरिस्ट कहते हैं मिजाह निगार को, मिजा है ना, मिजा ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है, मीम जे अलेफ और ये हा, मिजा है ना, ये मिजा निगार था, यानी हंसी मजाक करने वाला राइटर था अपने दौर का, मॉडर्न टाइम, जदीद दौर का। हाँ, यानी ही वर्क्ड फॉर द मेनी इयर्स फॉर द वन पेरिस स्टाफ ऑफ द शिकागो, ठीक है, ट्रबन, ये जो है ना अखबार का नाम है, इसने मैगजीन का नाम है, मैगजीन भी निकलता था, इसने वहां के लिए काम किया, फिर बट इज बेस्ट नोन फॉर इज, ठीक है, एसोसिएशन विद द न्यूयॉर्कर। अच्छा, मतलब ये हुआ कि इसकी जो हारमोनी बनी, हमांगी बनी, और जो इसने ज्यादा काम किया वो न्यूयॉर्कर के लिए काम किया, ठीक है, शिकागो ट्रिब्यून के लिए इतना काम नहीं किया, लेकिन उसके लिए भी काम किया, तो दोनों अपनी अलग अलग कंपनियों के लिए काम करता रहा, लेकिन लो अखबारात के लिए। अच्छा, इसने किताबें भी लिखी, विच इज, ठीक है, वेटी, ठीक है, आर्टिस्ट, ठीक है, एंड अम्यूजिंग ड्राइंग अट्रैक्ट मेनी रीडर। अच्छा, इसकी राइटिंग इतनी खूबसूरत थी, राइटिंग से मुराद लिखने का अंदाज इतना अच्छा था, इतना जबरदस्त किस्म का मजाक करता था, कि इसके आर्टिकल जो मजमून लिखता था ये, अम्यूजिंग,
बड़े तफरी वाले, लोगों को खींच कर ले आए, अट्रैक्शन हो गई उनमें और वो बहुत ज्यादा चलने लगे। ठीक है, मैनी रीडर्स, कई लोग पढ़ने वाले। ठीक है, तो उसके बाद लिखे कि अमंग हिज मोस्ट एंटरटेनिंग बुक्स, इसकी बुक्स बड़ी प्यारी प्यारी थी, जिसका नाम है, अच्छा किताबों के नाम बड़े मजाही हैं, द सील इन द बेडरूम, 1932, MCQs, 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 ठीक है, लेट योर माइंड अलोन, 1937, MCQs, MCQs, अच्छा फेबलेस फॉर आर टाइम, 1940 में किताब आई। ये देखो MCQs बता रहा हूं, इसे अंडरलाइन कर लो मेरे बेटा, बाद में मत कहना। मैन वुमेन एंड डॉग्स 1943 में आई, यानी मर्द औरतें और कुत्ते 1943 में आई। ठीक है, नाम देखो किताब का कैसा अजीब सा है, द बीज इन मी एंड अदर एनिमल, यानी जानवरों में अपने में जो बात कर रहा है, ये किताब आई, इसने लिखी 1948 में। सम एंटरटेनिंग, ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल डिटेल एज टू बी फाउंड इन माई लाइफ एंड हार्ड टाइम्स, यानी अगर आपको इसकी जिंदगी के बारे में ऑटोग्राफिकल पढ़ना है डिटेल, तो आपको एक किताब पढ़ना पड़ेगी, उस किताब का नाम है माय लाइफ एंड हार्ड टाइम, मेरी जिंदगी और मेरी जिंदगी के मुश्किल दिन या मुश्किल वक्त मेरी जिंदगी का। जब आप ये पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं ये पैराग्राफ छोड़ दूं तो आपका 5 नंबर भी गया और 10-12 MCQs है इसके अंदर, 10-12 MCQs है। तो जैसे मैंने अंडरलाइन किया है, अगर आप अंडरलाइन कर लें या हाइलाइटर अपने हाथ में रख लिया करें ताकि आसानी हो जाए। ये इतनी तफरी वाला है। अच्छा, इसने ये एक कहानी है, सच्ची कहानी नहीं है, ये एक ऐसी उसने तफरी में बनाया, राइटर ने लिखा कि जिस दिन डैम टूटा तो लोग किस तरह भागे, चप्पलें छोड़ के, अपने अपने साजो सामान छोड़ के, घरों से निकल कर लोग लहरों की तरह, पानी की तरह भागते रहे कि भाई डैम टूट गया, पानी आ गया, पानी आ गया, डैम टूट गया, डैम टूट गया। और यकीन जानी हुआ कुछ भी नहीं। मैं आपको चैप्टर समराइज भी करा रहा हूँ और उसके बाद पढ़ा भी देता हूँ, यानी उसके बाद हुआ, देयर वाज नथिंग इन इट, देयर वाज नथिंग इन इट, कुछ भी नहीं हुआ। चाहे अगर डैम टूट जाता तो राइटर कह रहा है कि चंद इंच पानी बढ़ता सिर्फ, और वो भी वहां नहीं जहां डैम टूट, जहां हम भाग रहे थे, बल्कि मशरिक की तरफ होता तो वहां चंद इंच पानी आता, तो हमारे यहाँ तो पानी का तस्वीर ही नहीं था, पानी की एक बूंद नहीं थी हमारी गलियों में, लोग ऐसा भागे। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ तफरीहात की बातें कर रहा है वो। पहले तो बात कर रहा है कि हमारे दादा फैल गए, आर दादा, आर ग्रैंडफादर। मैं आपको बताता हूँ, ग्रैंडफादर फौजी थे रिटायर, उन्होंने अपनी तलवार लहराई, है ना, तलवार लहराई, हमने कहा दादा चले पानी आ जाएगा, लोग भाग रहे हैं। दादा ने कहा जो बच्चे काम से गए हुए उन्हें वापस आने दो, मैं मर जाऊंगा यहां से नहीं जाऊंगा। दादा ने तलवार, अच्छा हमें मौत का डर कि दादा तो अपनी गुजार चुके, समझ में आ रही है आपको। ये थोड़ी सी उसके अंदर तफरीहात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ उर्दू में, और अब इंग्लिश अभी पढ़ लेते हैं। तो वो देर इज समथिंग काइंड ऑफ अम्यूजमेंट, अम्यूजिंग है, अम्यूज कर रहा है लोगों को, खुश कर रहा है। कहता है कि हमने दादा नहीं माने, दादा ने तलवार निकाल ली, लहरा के कहा गुस्से में कि कोई निकल के दिखाए। वो फौजी जवान थे, कद उनका 6 फीट से ज्यादा, ठीक है ना, 6 फीट से ज्यादा कद उनका, ठीक है ना, जाहिर सी बात है, और उनका वजन अरे अच्छा खासा पाउंड में, तो जाहिर है कि वो उनका वजन तो बहुत ज्यादा था और उनकी हाइट भी थी। लेकिन हमने मजबूरी में दादा के सर पर पीछे से, दादा के सर पर पीछे से एक आयरन बोर्ड था, लोहे की शीट, वो हमने मारी सर पे। दादा हो गए बेहोश, हम उन्हें कंधे में डाल के चल पड़े। पार्सन एवेन्यू तक दादा को होश आ गया, लेकिन हमने उनसे सॉरी भी किया कि दादा आप मान नहीं रहे थे क्योंकि आप तो हैं ही दादा, ठीक है। तो ये तफरी हो गई उस वक्त। तो ये अच्छा, कोई फिल्में देख रहा है, टीवी देख रहा है, मूवी थिएटर में भाग गए, लोग कारोबार कर रहे हैं, लोग भाग पड़े। एक कर्नल साहब रिटायर थे, है ना, कोई डॉक्टर था, कोई कर्नल रिटायर्ड था, कर्नल साहब जो फौजी भरम मारते थे हमें कि हम इतने बहादुर हैं, हमने इतने हमले किए। यकीन जाने पीछे एक बच्चा स्केटिंग करता हुआ आ रहा है जिसने अपने व्हील वाले शूज पहने हुए थे। कर्नल साहब ने आओ देखा ना, वो समझे कि शायद पानी आ गया पीछे, वो पूरे इलाके छोड़ के भाग गए। डॉक्टर मेलोरी संजीदा आदमी, सीरियस आदमी, इस शख्स को मुझे हैरत हो रही है, सारे दिन संजीदा बात करने वाले लोग
अपना कारोबार छोड़ के भागे, डॉक्टर साहब इतनी तेज भागे दुबले पतले कि हमें उन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया। एक मोटी औरत जिसे चलना मुश्किल होता था, जो चल भी नहीं पाती थी, बिजली की तेजी की तरह से ऐसी भागी वो कि अब बच्चे ने पूछा आंटी क्या हुआ है, कहले मुझसे क्या पूछ रहे हो, अल्लाह से पूछो, हमें क्या पता कुछ हुआ है, हमें तो लगता है कि पानी आ गया। तो इस पानी के खौफ से लोग ऐसा इधर उधर भागने लगे कि नोबडी न्यू, किसी को पता ही नहीं चला कि कौन क्या कर रहा है। भाई किसी ने तो किसी के बच्चे को गोद में उठाया और चल पड़े। बिजली की तेजी से मोटी मोटी औरतें कैसे भाग रही थी, मेरी आंटी फिल्म देख रही थी, मेरी आंटी फिल्म देख रही थी, और वो आंटी ने मुझे बताया कि मैं फिल्म देख रही थी, अचानक मैंने पैरों के घिसटने की आवाज सुनी, कहीं से सुना कि पानी आ गया, मशरिक को भागो, मशरिक को भागो, गो ईस्ट गो ईस्ट गो ईस्ट। तो वो आंटी भी भाग पड़ी, वो आंटी फिल्म देख रही थी बुढ़ापे में, लो वो भाग पड़ी। मुझे इतनी हंसी आई कि ये तमाम किस्से जो मैंने आपसे उर्दू में शेयर किए हैं, इसे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं जल्दी से। चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन इसको लिखने वाले ने मिजाह के तौर पे लिखा है, ठीक है। मोहम्मद हमाद रिपीट कर दूं, मौला आबाद रखे। अच्छा आप अभी आए हैं मोहम्मद हमाद, अच्छा चले ठीक है कोई बात नहीं। मैं ये बता रहा था आपके आने से पहले कि ये द डे द डैम ब्रोक ऐसी कहानी है जो कि मजाक पर है, मिजाह पर है, और उसके अंदर ये बता रहा है राइटर ये बता रहा है कि उसने बताया कि जब लोग भागने लगे कि डैम टूट गया, पानी आ गया, तो लोगों ने कहा कि मशरिक को भागो, वहां पानी नहीं होगा, वहां से बच जाएंगे हम लोग। तो पूरा इलाका हमारा शहर खाली हो गया। मेरे दादा नहीं जा रहे थे, मैंने अपने दादा को मनाया जाने के लिए लेकिन नहीं माने मेरे दादा। तो मेरे दादा ने तलवार निकाली, रिटायर फौजी थे, 6 फीट से ज्यादा कद था और 70 पाउंड और कुछ, वो बता रहे थे कि उससे भी कहीं ज्यादा उनका वेट था। तो वो अब हमने दादा के सर पर लोहे की शीट मारी कि दादा बस खाली बेहोश हो जाए। फिर हमने कंधे पे डाला बड़ी मुश्किल से और कंधे पे लेके भागे दादा को, क्योंकि दादा भाग नहीं रहे थे, ठीक है। देखो इसको वजन जो होता है ना पाउंड, यानी यूं समझ लीजिए कि 100 किलो के से कम, नियर अबाउट। अब बताओ किलो में लोगे तो अच्छा खासा बन गया ना, क्या ख्याल है। अब ऐसे बड़े आदमी को लेके भागना तो बहुत मुश्किल काम है। तो हम लोग लेके भागे उनको, तो लेकिन दादा मान, अब दादा को कांधे पे लेके भागा, दादा को होश आया, पार्सन एवेन्यू पे, सड़क का नाम है पार्सन एवेन्यू पे, दादा को होश आया, हमने उनसे सॉरी की, लेकिन दादा ने सॉरी हमारी कबूल कर ली क्योंकि वो समझ गया कि पूरा शहर भाग रहा है, अगर हम वहां रहते तो हम भी मारे जाते। लेकिन यकीन जानिए पानी की बूंद भी नहीं आई, और अगर आ भी जाती, राइटर कह रहा है, तो चंद एडिशनल इंचेस का इजाफा होता, चंद एडिशनल इंचेस का इजाफा होता। मेरी एक आंटी थी वो मूवी देख रही थी थिएटर में, वो भी भागी। कर्नल एक थे वो भी भागे, एक डॉक्टर मेलोरी थे वो भी भागे। तो ये सारे लोग अपनी अपनी जगह पर भागते रहे, जो लोग आपस में लेन देन कर रहे थे कारोबार की, दे रेन अवे। चंद मिनट में, चंद घंटे में पूरा शहर खाली। अब समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये बेटा मैंने अभी तो मैंने बताए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल वाले चैप्टर के क्वेश्चन मैंने क्लास शुरू होने से पहले, इस चैप्टर से पहले बताए थे। आप ऑनलाइन नहीं होंगे उस वक्त ना, तो मैं आपको बता देता हूँ आप कहाँ पर होगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, ये याद रखिएगा। अब आपका नेट काम कर रहा है, ठीक है, अभी भी मसला कर रहा है आपका नेट। तो बेटा शायर इसको हम ये हल करते हैं कि मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ और मैं आपसे शेयर करता हूँ कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पर है। पेज नंबर 23 पर मौजूद है, पिछले वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 23 पर है, ठीक है, शाबाश, ठीक है, शाबाश। तो हाँ, अब आप याद कैसे करेंगे, क्योंकि चैप्टर तो आपने पढ़ा हुआ है। अब याद करने का मसला है कि आप अभी से या तो नोट्स ले लें और फौरन याद कर लें, तो कैरियर आ जाए, आप अपने नोट्स भी ले जाएं और उसको क्लियर भी कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। अब मैं आ जाता हूं इस चैप्टर पर, ठीक है बेटा।
तो हमने ये पूरा चैप्टर एक नजर में समझ लेना है और फिर पढ़ना शुरू करता हूं। अब देखिए बेटा, मैं पढ़ता हूं, आप इसको सुनिएगा। मैं यहां से पढ़ रहा हूं, लिखा है, माई मेमोरीज वॉट माई फैमिली एंड आई हैव थ्रू, ठीक है, ड्यूरिंग 1913, बता एमसीक्यू आगे, शुरू में एमसीक्यू, 1913 के दरमियान मैंने और मेरे खानदान की यादें जो जुड़ी हुई हैं, जो सैलाब आया ओहियो, आई वुड ग्लैडली फॉरगेट, मैं तो चाहूंगा कि मैं भूल जाऊं, क्योंकि हमारा बड़ा मजाक उड़ा, पानी का एक कतरा नहीं और हम लोग चप्पल छोड़ के भागे। एंड येट नीदर द हार्डशिप्स वी इंडोर, और वो तमाम सख्तियां जो हमने झेली, इंडोर मैंने झेलना, बर्दाश्त करना, नॉर द टर्मोइल, ठीक है, टर्मोइल एंड कंफ्यूजन, वो तमाम अफरा तफरी, ये पूरे लफ्ज का तर्जुमा बता रहा हूं, वो तमाम अफरा तफरी जो हमने बर्दाश्त की, वी एक्सपीरियंस, जिसका हमें तजर्बा हुआ, कैन ऑल्टर माई फीलिंग, मेरे जज्बों को बदल के रख दिया। टूवर्ड्स माई नेटिव स्टेट एंड सिटी, ठीक है, मेरे जाए नेटिव स्टेट कहते हैं जहां मैं पैदा हुआ, और मेरा शहर, मैं वो जज्बों को भूलना चाहता हूं जिनका मुझे तजर्बा हुआ। आई एम हैविंग अ फाइन टाइम नाउ, मेरा अच्छा वक्त गुजर रहा है। इफ कोलंबर, कोलंबस तो आप जानते ही, ये कौन है कोलंबस को तो आप जानते हैं ना, कोलंबस को तो आपने नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर है ये तो। कोलंबस कौन था, जहन में रखिएगा, टंबर्स नेटिव टाउन, ये कौन था, कोलंबस का नेटिव टाउन, कोलंबस का थर्बर्स नेटिव टाउन, जहन में रखना, कोलंबस एक नाम भी है, एक इंसान का नाम है, जानते हैं ना आप लोग, लेकिन यहां पर कोलंबस किसकी बात हो रही है, अगर पेपर में आ जाएगा, जहां पर ये थर्बर जो राइटर है पैदा हुआ, तो उसकी बात कर रहा है, कहता है इफ कोलंबस वर हेयर, ये शहर का नाम भी है और यहाँ पर उस शख्सियत का यानी नाम भी है और शहर का नाम भी, अगर वो जिंदा होता, बट इफ एनीवन एवर विश सिटी वाज इट हेल, ये पूरा शहर जो जहन्नुम बना हुआ था, वाज ड्यूरिंग द फ्रेटफुल, खौफनाक हद तक, ठीक है, पेरिलियसन आफ्टरनून इन 1913 में ये पूरा शहर जहन्नुम बना हुआ था, यकीन जानिए लोग पागल हो गए थे भाग के। लिखा व्हेन द डैम ब्रोक, जब हमारा डैम टूटा, और टू गो मोर एग्जैक्ट, ये इसकी मीनिंग लिख लो, बड़ा खतरनाक लफ्ज है, टू गो मोर एग्जैक्ट का मतलब होता है, सही मानों में अगर मैं कहूं, सही अंदाज में अगर हम समझें, सही अंदाज में अगर मैं कहूं, when the everybody in town thought that the dam broke, agar main sahi maano mein kahun ye hamara shahar jahannum isliye bana ki har aadmi ne ye socha ki dam toot gaya, we were both enabled, acha ye enabled se murad kya hai, acha basically yahan par enabled se murad kya hai ke enable and यानी समझ लें कि शराफत पैदा करना, ठीक है, एनोबल्ड यानी शराफत पैदा करना, इंतशार करना, नवाब बनना, इस तरह के सेंस में इस्तेमाल है, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। वी वर बोथ एनेबल, ठीक है, डीमोरलाइज बाय द एक्सपीरियंस, हमारी तो नवाबीपन, हमारा वो जो बड़ापन, सब कुछ डीमोरलाइज हो गया, हमें जिसका तजर्बा हुआ और हमारी जो है वो हिम्मत जवाब दे गई, फिर कह रहे ग्रैंडफादर स्पेशली, हाँ हमारे ग्रैंडफादर थे, जानते हैं ना आप, रोज टू द मैन, ठीक है, हमारे ग्रैंडफादर ने क्या हरकत की, आगे बढ़ गए, रोज राइज, याद है ना, राइज, रोज टू मैग्निफिसेंट, यानी इसका मतलब ये हुआ, यानी उन्होंने यानी आगे बढ़कर हमें हाइट उनकी जो थी वो नेवर बी लॉस, हाइट्स कैन नेवर बी लॉस देयर स्प्लेंडर फॉर मी, यानी उनकी शान और शौकत उनकी कद से जाहिर होती थी, वो हम कभी भूल नहीं सकते, उन्होंने हमें भरम मारा, हमें पता क्या कहा, हमें क्या कहा, ये देखें, लिखा है इवन दो इज रिएक्शन, इनका जो रिएक्शन था वो टू द फ्लड वर बेस्ड अपॉन
प्रोफाउंड मिसकंसेप्शन। बेचारे वो जो मेरे दादा थे ना, वो उनका जो रिएक्शन था, रद्दे अमल, उनका जो रद्दे अमल था ना, वो गलती पर था। वो बड़ी गहरी गलती पर, परफॉर्म का मतलब होता है गहरी, वो बड़ी गहरी गलती पर थे और उनका रिएक्शन बड़ा गलत था। यानी लोग भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं। क्या कह रहे हैं? नेमली नाम है, बात यह है, खासतौर पर द नेदर बेडफोर्ड, ठीक है, फॉरेस्ट केवर्ली, ये एक अजय, ये नाम पढ़ रहा हूं, देखिए या इससे घबराइएगा मत, मैं बता देता हूँ ये क्या चीज है। ये क्या चीज है? ये फॉरेस्ट केवर्ली, पता किसे कहते हैं? ये बेसिकली फौज की यूनिट होती है जो पैदल लड़ने वाली होती है ना, केवर्ली उसको बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे केवर्ली है, अटरली है, ये नाम है ना फौजियों के, जो जो तोपों से हमला करती है, कुछ पैदल लड़ते हैं, तो ये केवर्ली पैदल लड़ने वाली फौज है। अटरली जो है बेसिकली वो लड़ती थी तोपों से, एयर डिफेंस लड़ती है, नीचे से फायर मारती है, जहाजों को गिराती है, एयर डिफेंस हमारा। फिर उसके बाद एक सप्लाई की यूनिट होती है जो असला पहुंचाती है, एक फूड सप्लाई होती है जो खाना पहुंचाती है, एक जो जख्मी होते हैं अस्पताल बनाती है, इन्फेंट्री। आहा अमीन, जबरदस्त यार, जबरदस्त अमीन, दिल खुश हो गया यार, तुमने तो इन्फेंट्री का लफ्ज मुझे बता दिया है। और बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी इन्फेंट्री यूनिट होती है ना, सप्लाई होती है, कम्युनिकेशन होती है जो बताती है इधर हमला करो, उधर नहीं, इधर नहीं। अच्छा, सप्लाई मेडिकल वाले होते हैं, एएमसी, आर्मी मेडिकल कोर है ना, तो वो कोरें होती हैं मुख्तलिफ जो काम कर रही होती हैं। जज़ाकअल्लाह अमीन। इन्फेंट्री का लफ्ज आपने केवर्ली के लिए इस्तेमाल किया, पुराने जमाने में केवर्ली का लफ्ज, ये बरतानी के लोग ना केवर्ली का लफ्ज इस्तेमाल, केवर्ली कहते हैं इसको, इसको ना प्रोनाउंस करते हुए केवर्ली का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और आज इसको क्या बोलते हैं? इन्फेंट्री। क्या बोलते हैं? इन्फेंट्री, जो अमीन भाई ने हमें बताया, बिल्कुल सही बताया। हाँ शाबाश, मौला अली का कौल है, ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। जबरदस्त, शाबाश शाबाश, कीप इट अप। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, वॉज द मीन्स, अच्छा उन्होंने कहा वी वर कॉल्ड अपॉन टू द फेस, हम उनके चेहरे पर हमने देखा, जो वी कॉल्ड अपॉन द फेस दैट ओनली पॉसिबल मीन टू एस्केप फॉर अस, हमने ये देखा कि ये चेहरे पे तो कुछ नहीं है, हमें इसका मतलब इसके निकल चलो, भाग चलो। वॉज टू फ्ली द हाउस, फ्ली माने फरार हो जाना, घर से निकल चलो। आई स्टेप विच, एक कदम बढ़ाया ग्रैंडफादर स्टर्नली, सख्ती से, फॉरबेड, मना कर दिया। अरे भाई दादा बड़े, उन्होंने हमें मना कर दिया, और ब्रैंडिशिंग लहराते हुए, ठीक है, ब्रैंडिंग, ब्रैंड, ब्रैंडिशिंग का मतलब होता है लहराते हुए, हिज ओल्ड आर्मी सेबर, सेबर कहते हैं तलवार, टेढ़ी रंग की एक तलवार होती है, जो आपको याद होगा कि ऐसी ऐसी होती है, देखो अगर आप गौर करें तो उस तलवार की शक्ल ऐसी होती है, ये थोड़ी सी टेढ़ी सी होती है, घूमी हुई और ऐसे करके होती है ना, तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे आप क्या कहेंगे, ओल्ड आर्मी सेबरी, ये बेसिकली इसका नाम है, तलवार, शमशीर, उर्दू में क्या कहेंगे, शमशीर। उन्होंने अपनी तलवार लहराई अपने हाथ में और क्या कहा, लेट द सन कम, लेट द सन कम, बच्चों को आने दो। ही रोड, हुर्रा कर कहा, जोर से कहा। मीन वाइल द हंड्रेड ऑफ द पीपल वर स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंगली का मतलब होता है यानी बह रहे थे लहरों की तरह, लोग भाग रहे हैं घर छोड़ के, काले सर नजर आ रहे हैं, विद द आयरनिंग। अच्छा, हमने क्या किया, अपना घर छोड़ के, वाइल्ड पैनिक, वाइल्ड पैनिक से मुराद क्या है, बे इंतहा अफरा तफरी के आलम में इंसानों का समंदर बह रहा था गलियों में, स्क्रीमिंग और चीखते हुए कहे मशरिक को भागो, गो स्ट्रीट, गो स्ट्रीट। वी हैड टू स्टर्न ग्रैंड, वी हैड टू स्टर्न, हमें मारना पड़ा, अपने दादा पे हाथ उठाना पड़ा। क्या कहा, विद द आयरनिंग बोर्ड, हमने लोहे की शीट मारी दादा के सर पर, दादा जख्मी हो जाए, मरे ना, क्योंकि दादा मान नहीं रहे थे, दादा मान नहीं रहे थे। अच्छा, इम्पीडेड एज यू वर बाय द इनर्ट फ्रॉम द ओल्ड जेंटलमैन, ठीक है। अब मैं यहां से पढ़ देता हूं, लोग लोग कहां भाग रहे थे, देखें, लोग भाग रहे थे मशरिक को, गो इज, गो इज, वी हैड टू स्टन, हमें मारना पड़ा, स्टन का मतलब मारना पड़ा है ना, सर पर मारा हमने, ग्रैंडफादर के सर पे मारा, विद द आयरनिंग बोर्ड, हमने आयरन का बोर्ड मारा, इम्पीडेड। अच्छा, इम्पीडेड से क्या मुराद है, राह में हायल, रुकावट दूर है ना, हमने वो राह में जो इम्पीडेड कर रहे थे, राह में हायल हो रहे थे, बीच में आ रहे थे दादा, क्योंकि वो तो थे ही दादा,
वो कहां मान रहे थे? एज यू आर बाय द इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है बेसिकली, यानी यूं समझ लीजिए, यानी सुस्त फॉर्म ऑफ द ओल्ड जेंटलमैन। हमने ये एक सुस्त और हल्की जो शक्ल थी बुढ़ापे की, वो हमने अपने सामने से दूर कर दी, जो हमारे सामने दीवार बनी हुई थी या हमारे राह में हाइल थी। He was all taller than 6 feet, MCQs, 6 feet से भी ज्यादा लंबा कद था, और वेट इनका ऑलमोस्ट 170 pounds, 170 pounds, मतलब ये मोटे, अरे बूढ़ा हो गया इंसान। We were passed in the first half, हम लेके भागे पहले घंटे में भागे, तो लिखा है कि माइल बाय द प्रैक्टिकली एवरीबडी एल्स इन द सिटी। थोड़ी देर में, चंद घंटे में अमली तौर पर पूरा शहर भाग रहा था, है ना? यही है ना, अगर आप गौर करें कि पूरा टाउन, पूरा शहर जो है वो भाग रहा था। हैड ग्रैंडफादर नॉट कम टू, अगर दादा को होश ना आता तो हम कंधे पे लेके कहां तक भागते उन्हें, है ना? टू द कॉर्नर ऑफ द पार्सन एवेन्यू, हम लेकर उन्हें भागे, एंड टाउन स्ट्रीट। वी वुड, ठीक है, अनकॉन्सिबली, वी वुड अनकॉन्सिबली हैव टू, अनक्वेश्चनेबली का मतलब होता है unquestionably, क्वेश्चनेबली यानी गैर सवालिया अंदाज में हमारे पास बीन ओवरटेकन। तो यकीन जानिए कोई सवाल नहीं बचता कि हम बच जाते। ओवरटेकन का मतलब आ लेता हमें, और ये इंगल्ड का मतलब होता है, ठीक है, इंगल्फ्ड का मतलब निगल लेना, पानी हमें आ लेता और हमें निगल लेता, समझ में आ रही है आपको? बाय द रोरिंग वाटर्स, रोरिंग रोरिंग का मतलब बहते हुए आवाजें निकालते, पानी नहीं आता, जैसे पानी की लहरें आती और हमें निगल लेती। दैट्स इट, इफ देयर हैड बीन एनी रोरिंग वाटर, मगर ऐसा तब होता जब पानी होता, पानी तो था ही नहीं, ये तो अफवाह उड़ाई थी। कहते लेटर बाद में, देन द पैनिक हैड had died down, जब अफरा तफरी खत्म हुई, जब अफरा तफरी खत्म हुई तो फिर क्या हुआ? Rather sheepishly, बताओ, हमारे जो लोग थे, and people had gone rather sheepishly back to their home। अच्छा, ये sheepishly का मतलब पता क्या है? जब लोग घर में शर्माते हुए आ रहे थे वापस, अबे तू क्यों भागा भाई, छोड़ो यार, छोड़ो, यानी हर आदमी शर्मा रहा था। शीपली का मतलब, शीप तो कहते हैं भेड़ को, अच्छा भेड़ की ये फितरत है, वो गर्दन झुकाती है और चलती रहती है सीधा सीधा सीधा, ये भेड़ों की है, बता रहा हूँ आपको फितरत। तो इंसान भी बिल्कुल भेड़ों की तरह शर्माते हुए, अपनी गर्दन झुकाते हुए घरों को आ रहे थे, और एक दूसरे से बात नहीं करी, कोई बात करना भी नहीं चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता था? क्योंकि क्योंकि सबके सबकी जरा बेइज्जती हो गई थी ना, कि एक दूसरे के ये बड़े बहादुर बनते हैं और देखो कैसे भागे। तो वो शीपली भेड़ों की तरह, है ना, शर्माते हुए समझ लीजिए, बैक टू देयर होम्स एंड देयर ऑफिस, अपने ऑफिस आ गए। मिनिमाइजिंग द डिस्टेंसेस, यानी फासले कम वो कर रहे थे, यानी घर की तरफ आ रहे थे, ऑफिस की तरफ जा रहे थे। दे हैड रन एंड ऑफरिंग वेरियस रीजन फॉर रनिंग, अच्छा भाग रहे थे और कई वजूहात बयान कर रहे थे भागने की। अरे मैं तो तुम्हें देख के भागा भाई, यकीन जाने मैं तो, अरे मैं तुम्हें देखकर भागा हूं यार, तुमने तो बिल्कुल देखा ही नहीं, यानी एक दूसरे पे ब्लेमिंग गेम समझ लीजिए। सिटी इंजीनियर पॉइंटेड आउट दैट इवन इफ द वर्ड हैड ब्रोकन द वाटर लेवल वुड नॉट हैव राइजन मोर देन 2 additional inches, कसम खुदा की बताओ। शहर के इंजीनियर्स ने कहा कि अगर पानी आ भी जाता, अगर पानी आ भी जाता तो यकीन जानिए सिर्फ चंद इंच का इजाफा होता। अब बताओ, चंद इंच का इजाफा होता, कितने अफसोस की बात है, और हम लोग इतना बेवकूफ हैं कि हम लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे, ठीक है। अब बताओ कि कितना बड़ा हमसे गलती हो गई। तो आज हमने ये जो पेज पढ़ा है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये चैप्टर बहुत आसान है, ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं तो कह रहा हूं कि आज के लिए इतना ही काफी है, क्या ख्याल है? ठीक है सर, इससे ज्यादा तो कराची में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं ताहिर खान, कराची में तो इससे ज्यादा बारिश होती है। अगर ये हमारे यहाँ रहता कराची में, तो इससे ज्यादा तो हमारे गटर का पानी बह रहा है, यकीन जाने। वो लगता है ताहिर भी आजकल गटर में घूम रहे हैं,
क्या ख्याल है? तो दुआओं में याद रखिएगा, आज के लिए इतना काफी है, अपना ख्याल रखिएगा। बिल्कुल ताहिर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।